अभी जाने वाले हैं पिक्चर गैलरी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बना है। एंड ये क्लॉक टावर के ठीक पास में ही है, वहाँ पे मैंने अपनी बाइक जो है वो खड़ी कर दी है। तो अभी चलते हैं अंदर। क्या क्या चलान जो अंकल बताते हैं जब आप लौटते तो उसका इनाम जो पेश करते हैं समझ गए। आपसे पहली शुरुआत कर सकते एक मिनट दीजिए, ये भी जरूरी भैया चाहे कुछ हो या ना हो लेकिन जरूरी अपनी सेफ्टी। देखिए ये लास्ट किंग वाजिद अली शाह 275 साल पहले जो मुस्लिम एकता की बसंत पंचमी का त्यौहार कायम किया जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहते थे। ये आपके सामने है बसंत पंचमी का कौन बनेगा करोड़पति देखते बेटे कैमरा बंद करके 500 रुपये जो ठीक कौन बनेगा करोड़पति देखते 50 लाख जीत चुका था, 1 करोड़ का सवाल था। अच्छा, यही पूछा था बता नहीं पाया था, 1 करोड़ हार गया था। वाजिद अली शाह ने कह फर्स्ट किंग कादुद्दीन हैदर पहले नवाब लखनऊ के जिनको शिकार खेलने का बड़ा शौक, लोग जानवरों को मारने का शिकार करते थे जो जिंदा टाइगर पकड़ा। इनका भी नाम चादर खान है, ये लखनऊ के पहले नवाब। वाजिद हुसैन जिनकी दाढ़ी में मधुमक्खी ने छत्ता, जब ये ग्वाल की इबादत करते थे तो उठ जाते, जब ये वापस बैठते थे इनकी दाढ़ी में आके बैठ जाते, जब इनकी डेथ हुई तो सब इनका साथ छोड़। मिस्टर आबिद अली खान दारन हुआ, इन्हीं ने भी एक मंदिर बनवाया कुलिया का 16 साल पहले, इनकी भी डेथ। अब आप इधर कहाँ से तशरीफ लाए? लखीमपुर। इधर बेटे साइड में अवध के पहले नवाब ईरान के रहने वाले थे, दिल्ली में 280 साल पहले गवर्नर ही राज की। उनकी एक बेटी थी जिसके कुछ ने एक मंदिर और एक मकबरा बनवाया दिल्ली में, जिसकी पहली आज कला को सनलाइट देख रहे सामने ये लोग देख रहे। दूसरे इनके सर पे सच्चे मोती हीरे जो आए जो हारे हिंदा पर नाम बैंगा हुई चाबी का अंगूठा डायमंड जूते गोल के पैरी दे जो आ रहा। आपने अपनी बेटी की मैरिज मंसूर अली खान सफदरजंग से की जो दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल एयरपोर्ट सफदरजंग हो। अब बेटे आर्ट कला देखिए इधर आएंगे राइट साइड की जूते की नोक आपकी तरफ दिख रही है, जब आप उधर जाएंगे तो घूम जाएंगे और ये महल इस साइड घूमेगा तलवार और फैन भी उस साइड, लेकिन लखीमपुर की चार ना चलिएगा लखनऊ की ना जाकर के हिसाब से धीरे धीरे चलिएगा। देखते आइए सामने देखा आप बसंत पंचमी का त्यौहार बीच में वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के फादर इन लॉ जिनका नाम है नकीब अली खान। अब आपकी तरफ शुजाउद दौला नाम है 275 साल पहले फैजाबाद के गवर्नर बने, इन्हीं ने गुलाब बारी कह हिंदुस्तान की एक जंग को छोड़ के हर जंग में कामयाबी आ गई। एक घाघर नदी में उतर गए कोकों को डाई निगल दिया, ये उसका पेट चाक करके बाहर निकले इनका रंग ब्लैक पड़ गया, उधर का पैर खा गया नकली। अब आपने इंसानों को चलते देखा होगा पिक्चर को, ये गुलाबबाड़ी वाइट कलर की इस साइड आएगी पूरी पिक्चर आपको देख रही है। आपके साथ चली सामने देखिए आ गए आप। हेलो बेटे आया था मैं 1923 में जो बाढ़ आई थी लखनऊ आपका इतना डूब गया था, जो रास्ते से आप आए सब पानी, ये आपके लास्ट में जब उस जमाने में काल पड़ गया था शहर में काम नहीं था। आप दिन में भूल भुलैया बनवाते थे तारों की छाँव में, वो लोग तोड़ते थे जो बहुत इज्जतदार 11 साल में भूल भुलैया तैयार थी। आपके मजदूर नारा बुलंद करते थे जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला, इन्हीं ने बुला के दरबार में उसको डांटा कि ये गलत है ऐसे कहो जिसको दे मौला उसको क्या देगा आसफुद्दौला, क्योंकि मुझे भी वही देता है जो ऊपर देता। जो कपड़े पहने हैं दरअस्तर है पिंक कलर, ऊपर जो पहने व्हाइट कलर का टिशू कपड़ा पहली आर्ट कलर,
दूसरे जो ब्राउन कलर की जाली जिसका शेड फरश है, और जो पिक्चर आप देख रहे हैं डायमंड को पीस के फलों का रस लेके उसके पाउडर से ये सब बनी है 300 बरस पहले। इसको जो कीड़ा चाटता है तो खुद मर जाता है, क्योंकि हीरे जवाहरात में इतना केमिकल होता है कि डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत है। पिक्चर के इतना 500 जुर्माना छूना 2 महीने की सजा, कैमरे चल रहे हैं कैमरे के अब दे जा रहे। लास्ट गवर्नर शहादत अली खान, पूरा शहादतगंज और 2 मकबरे कैदी सरू बाबू इस स्टेडियम के, जिनका है चेहरा पूरी बाड़ी ये डूबा, और जो टाइगर है कुर्सी के हैंड पे हाथ की तरफ पूरी चेयर समय आपके साथ उधर देखा आपने। अब आप इधर ये फर्स्ट किंग जिनको हिंदी में कहते हैं राजा और उर्दू में कहते हैं बादशाह, शान जब का इमाम बाड़ा शिकायत गर्ज का तला बाबा हजारा का बाबा हैदर करनाल पे बहादुद्दीन है आपने बने चौकी पे जूता आपकी तरफ दिखा आई ये सब जूता चौकी पे सामने देखे देखा बेटिया ये इनके बेटे 3 साल राज किया। सबसे पहली मारे जो रूमी गेट टूरियागंज हॉस्पिटल, एक खैरा खाना, एक शिफा, एक धनिया मैरी का पुल, वही धनिया मैरी ने अंग्रेजों से मिल इनको जहर दे दिया। आप वहाँ जाएंगे आप सामने आपको देखें और आप आइए आप उठा आइए जो लोग अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते दूसरी तरफ निकाल पाते राजा हो या महाराजा उनका अंजाम ऐसे ही होता है। आज भी ये 2 तरफ देख रहे हैं, अगर शुरू से एक तरफ देख रहे होते तो पायदान क्यों खाना पड़ता समझ गए। ये आपके मोहम्मद अली शाह जो भी आपके अंकल को कोई 500 कोई 200 जो आप इनाम में देते हैं आधा ड्रेस में जाता आधा अंकल को मिलता एक ही बटन जिनका ताज माथे से और जूते से आके देखते जाएंगे है सेंटर में आएगा जूते उससे लेकिन आइस नहीं देंगे। देखा आंखें उधर बाकी सब इधर आ जाए बेटे। आज तक माता जी पिताजी ना करी तो लोग यही कहते हैं डाइड आपने किया क्या। ये इनके बेटे जिन्होंने बाप दादा की प्रॉपर्टी में कोई पैसा नहीं दिया, अपनी मेहनत मशक्कत से ये चटाई बीनते थे उससे पेट भरते और दुनिया को बताया जब एक राजा मेहनत कर सकता है तो गरीब को मेहनत में शर्म है। आपने अपनी मेहनत मशक्कत से हजरत ने हलवासिया मार्केट के सामने सिपनाबाद का इमाम बड़ा था। आपका फर्स्ट साहब के दोंच और वजन 140 पाँचों टाइम के नमाजी कैरेक्टर के दार में सबसे बेस्ट समझ गए। तो उर्दू में क्या कहते हैं मालूम है, बड़े हो के माता जी पिता जी की रहमत बनिए जहमत नहीं, क्योंकि माँ बाप बहुत मेहनत से पालते हैं समझ गए। जिनका हेड चेहरा पूरी बाड़ी में जिनका इमाम बारे का हेड सब आपके साथ देखा। लास्ट तो बाली विदिशा चिकनकारी आपने जाती है ये पहनेस को अंगर का बोल बसंत पंचमी का त्यौहार कथक डांस और एक हनुमान मंदिर अलीगढ़ जिसके बड़े मंगल का भोजन आज दिन की तरफ ये महल में बैठे शतरंज खेल रहे थे अंग्रेजों ने हमला किया उनके साथी सब भाग गए। ये नहीं भागे इनसे पूछा आप क्यों नहीं भागे है कोई मुझे जूता पहनाने वाला जो सबसे बड़ा अफसर था इलाज लाट जिसने जूता पहना है तब गिरफ्तार किया। ये हैं आपके बाजी के विषय आखिर।